Shut up and sit down. Hello students, welcome to day 30 of 20 idioms and phrases with meaning classes. इस वीडियो में आप अर्थ के साथ 20 मुहावरे और वाक्यांश पढ़ेंगे जो कि आपके SSC, CGL, GPO, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम और भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में हेल्पफुल है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा वीडियोज है idiom और phrases का, इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू, ये कोर्स करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, लर्न 20 idioms एंड phrases। आप हर एक वीडियो में 20 idioms और phrases सीख पाएंगे और इससे क्या होगा, यू विल प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स SSC, CGL, GPO, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सब के लिए आपको ये idioms और phrases काम आएंगी। टोटल 1000 idioms एंड phrases से ज़्यादा का वीडियो बनेगा। तो छोटा छोटा पैकेट है 20-20 idioms का, एक एक वीडियो रहेगा, तो लाइन से आप सब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टू डू लिस्ट भी है, आपको करना क्या है, प्रैक्टिस मिनिमम 2 times डेली, हर रोज कम से कम 2 बार आप वीडियोज को प्रैक्टिस करें ताकि कुछ ही दिनों में आपको पूरा याद हो जाए वीडियोज। मेक अ रूटीन टू लिसन द वीडियोज एज मच एज यू कैन। अब देखिए ये ट्रेडिशनल क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और जो जो चीज़ आपको सीखना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो वीडियोज भी जरूर बनाई जाएंगी। तो चलिए आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैंड एंड ग्लव इन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशन, बहुत अधिक घनिष्ठता भरे रिश्ते में। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ बहुत ही क्लोज रहता है, बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते में रहता है, तब हम लोग बोलते हैं हैंड एंड ग्लव। अब जैसे मान लीजिए आप किसी से हम प्रेम करते हैं और आप और का और उसका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है तो आपका हैंड एंड ग्लव है। आप किसी चीज को चाहते हैं तो आपका हैंड एंड ग्लव है। कोई चीज आपके पास है तो हैंड एंड ग्लव है। सो हैंड एंड ग्लव इन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशन, बहुत अधिक घनिष्ठता भरे रिश्ते में। बैड एग्स With someone who behaves in a bad or dishonest way, जो बेईमान तरीके से काम करे। अब देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम नहीं कर पाते हैं, वो लोग बेईमानी से काम करते हैं, लोगों को धोखा देके काम करते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो idiom phrase, वो है bad eggs। With someone who behaves in a bad or dishonest way, जो लोगों के संग बुरा व्यवहार करता है और लोगों के संग धोखाधड़ी करता है, बेईमान होता है। डेलाइट रॉबरी, अनअशेम्डली ओवरचार्जिंग और रिमूविंग समवन्स मनी बाय फाउल प्ले टू डिसीव समवन, गलत तरीके से किसी के पैसे गबन करना। अब देखिए मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है या आपको धोखा देके आपसे पैसे हथिया ले रहा है, गलत तरीके से आपसे पैसे ले ले रहा है, इसको कहते हैं दिन दहाड़े चोरी, मतलब डे लाइट रॉबरी, अनअशेम्डली ओवरचार्जिंग और रिमूविंग समवन्स मनी बाय फाउल प्ले टू डिसीव समवन, गलत तरीके से किसी के पैसे गबन करना। पुल वूल ओवर द आईज टू डिसीव समवन, धोखा देना, किसी के आंखों में पट्टी बांध देना। तो क्या होता है, आप जब आप लोगों को धोखा देते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे पुल वूल ओवर द आईज टू डिसीव समवन, धोखा देना। पैक ऑफ लाइज, फुल ऑफ लाइज, झूठ का पुलिंदा। आप देखिए जहां पर सिर्फ झूठ होता है, हर तरफ झूठ फैला रहता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पैक ऑफ लाइज। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है, एक नंबर का झूठा है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पैक ऑफ लाइज, फुल ऑफ लाइज, झूठ का पुलिंदा। डाउन एंड आउट, पुअर एंड रुइंड, गरीब और बर्बाद। अब देखिए जो गरीब है और या पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बर्बाद आदमी है, उसके लिए डाउन एंड आउट, पुअर एंड रुइंड, पुअर मतलब गरीब, रुइन मतलब बर्बाद। फीट ऑफ क्ले, हिडन फॉल्ट्स, छिपी हुई कमजोरियां।
आप देखिए, हर एक व्यक्ति की और कुछ ना कुछ कमजोरी होता है। लोग अपनी कमजोरियों को छुपा के रखते हैं। तो जो आपकी छिपी हुई कमजोरियां हैं, आपका जो वीकनेस है, फॉल्ट्स है, जो आप छुपा के रखे हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगा फीट ऑफ क्ले, हिडन फॉल्ट्स, छिपी हुई कमजोरियां। लूज ग्राउंड, फेल टू कीप पोजीशन, अपना स्थान बनाए रखने में असमर्थ व्यक्ति। अब देखिए, जो व्यक्ति अपना पोजीशन, अपना स्टेटस बना नहीं पाता है, रख नहीं पाता है, तो उसका स्थान है वो गिर रहा है, पोजीशन गिर रहा है, स्टेटस गिर रहा है, तो जो अपने स्थान को बना नहीं पाता है, रख नहीं पाता, ठीक है, उसके लिए लूज ग्राउंड, फेल टू कीप पोजीशन, आप अपने ओहदे से नीचे आ गए, क्योंकि आप जो ओहदे में थे उस ओहदे को आप मेंटेन नहीं कर पाए। अपना स्थान बनाए रखने में असमर्थ व्यक्ति। लूज देयर हेड, टू बी कैरिड अवे, भावना में बह जाना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, वो लोग लोगों को धोखा देना नहीं जानते, वो भावनाओं में बह के काम कर देते हैं, कई बार वो अपना नुकसान कर देते हैं दूसरों की मदद करने में, क्योंकि वो भावना में बह जाते हैं। तो जो लोग भावनाओं में बह के लोगों के लिए काम कर देते हैं, उनके लिए लूज देयर हेड, मतलब दिमाग खो देते हैं वो, टू बी कैरिड अवे, भावना में बह जाना। डी डे, अ डे ऑन विच समथिंग इंपॉर्टेंट इज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन, जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो। अब वह दिन जब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके लिए हम लोग डी डे का इस्तेमाल करेंगे। डी डे, अ डे ऑन विच समथिंग इंपॉर्टेंट इज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन, जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो। Given, yield, हार माना जाना। अब देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें यह मान लिया जाता है कि हार हो गई है, जब हार माना जाता है तब होता है given, yield, हार माना जाना। Keep one's pot boiling, earn hardly enough for living, सिर्फ गुजारा भर ही कमाना। अब जब कोई व्यक्ति सिर्फ इतना ही कमाता है जिससे जैसे तैसे उसका गुजारा हो पाए, उसके लिए इस्तेमाल होगा Keep one's pot boiling, earn hardly enough for living, सिर्फ गुजारा भर ही कमाना। In a flutter, excited, उत्तेजित। अब जो इंसान बहुत उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित रहता है, excited रहता है, उसके लिए होता है in a flutter, excited, उत्तेजित। On last legs, about to collapse, खत्म होने की कगार पर। हम लोग बोलते हैं ना, अपनी आखिरी दिनों में है, ठीक है, एक पांव कब्र में है, मतलब खत्म होने की कगार में है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो जब ऐसा कोई परिस्थिति होगा, जब कभी भी कोई खत्म हो सकता है, तब होगा ऑन लास्ट लेग्स, अबाउट टू कोलैप्स, खत्म होने की कगार पर। पुट अ स्मोक इन द व्हील, टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा उत्पन्न करना। अब देखिए, जब आप बोलते हैं ना जी, किसी के चक्के में कुछ फंसा देना, किसी को रोक देना, तो जब आप किसी के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, तब आप इस्तेमाल करेंगे पुट अ स्मोक इन द व्हील, टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा उत्पन्न करना। सेट समवन बाय ईयर्स, टू इंसाइट पीपल, लोगों को भड़काना। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। तो जब ऐसा परिस्थिति होगा, तब आप इस्तेमाल करेंगे सेट समवन बाय ईयर्स, लोगों का कान भर देना, उनको भड़काना, टू इंसाइट पीपल, लोगों को भड़काना। स्टील द मार्च, टू गेट अहेड सीक्रेटली, चुपके से आगे बढ़ना। आप देखिए, कुछ लोग चुपके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं किसी को बताते नहीं है, तो उनके लिए इस्तेमाल होगा, जब भी आप चुपके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या बढ़ेंगे, स्टील द मार्च, टू गेट अहेड सीक्रेटली, चुपके से आगे बढ़ना। रेड हेरिंग, समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, जो ध्यान भटकाए। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और कोई चीज है जो आपको भटका रही है, आपका ध्यान भटक रहा है, उसके लिए रेड हेरिंग, समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन, जो ध्यान भटकाए।
Show a clean pair of heels. Run away. भाग जाना. आप देखें, जब कोई भाग जाता है, run away, तब इस्तेमाल होता है Show a clean pair of heels. Smell a rat. Suspect something polluted. गलत होने की आशंका होना. जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है, अगर कभी चूहा मरा हो और आप महके हो तो आपको लगा होगा ना, हाँ कहीं चूहा मरा है, कुछ गलत हुआ है, कहाँ मरा है. तो वैसे ही जब आपको कुछ गलत होने की आशंका होगी तब होगा स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग पोल्यूटेड, गलत होने की आशंका होना.